माता का जो इस बार आने का संकेत है वो भी अशुभ है, और जाने का जो संकेत है वो भी अशुभ है। जो इनका आगमन जो है डोली पर है ये अशुभ संकेत है। इसमें अकाल मृत्यु, राज्य में भय, देश में उपद्रव, हर प्रकार की संख्या है। तो बड़ा पंजा वाला मुर्गा से जो जा रही है इससे हमारे देश में जो है हर प्रकार जो है हाहाकार मचेगा। भूखमरी से लेके हर प्रकार की जो है कष्टकारी समय बीतेगा। देखिए, शरद नवरात्रा जो है आपका 3 अक्टूबर 2024 को गुरुवार के दिन है, और कहा जाए कि चरना युद्ध से जा रही है। चरना युद्ध का यदि शाब्दिक अर्थ कहा जाए तो बड़ा पंजा वाला मुर्गा होता है। अभी देख रहे हैं कि अभी बाढ़ से लोग बहुत काफ़ी परेशान हैं। देखिए बाढ़ से, देखिए जी हाँ, बाढ़ से जो परेशान है, सबसे पहले तो आप लोग सबको ही जान रहे हैं कि डोली पे आने से क्या होता है नहीं होता है। हम ज़्यादा विशेष तो नहीं बोलेंगे आप लोगों को, लेकिन हम यही कहेंगे कि माता का जो इस बार आने का संकेत है वो भी अशुभ है, और जाने का जो संकेत है वो भी अशुभ है। हम अपने माध्यम से और क्राइम सच के माध्यम से लोगों के बीच में हम यही कहना चाहते हैं कि माता से हृदय से सच्चे मन से प्रार्थना करें कि जितना अधिक से अधिक हो हम लोग का कष्ट दूर हो और हम लोगों में सुख सुविधा और शांति बनी रहे, यही हम विनती करेंगे। मेरा नाम हुआ राजीव कुमार पांडे। देखिए, सबसे पहले आपका क्राइम न्यूज का राधे राधे, जय श्री राम, हरि बोलो भक्तो, राधे राधे। इस बार 3 अक्टूबर का कलस्थापन माता रानी का हो रहा है, और आगमन माता रानी का डोला पर हो रहा है। डोला पर आना शुभ नहीं है, अशुभ है। जाने का माता रानी का मुर्गा पे जा रहे हैं, यानी मुर्गा पर ही जाएंगे, तो ये तो बहुत अशुभ माना गया है, बहुत बड़ा अशुभ है। भक्त जन से मैं यह विनती करता हूँ, माता रानी का पूजा बहुत बड़ा सुख शांति से और बातचीत, अहंकार सबसे पहले कोई भी भक्तों को निकाल देना होगा इस साल, और कोनो भक्तों को सच्चा दिल से माता रानी का पूजा करें और कोई भी तरह के अहंकार नहीं रखें। मेरा परिचय भीखनपुर दुर्गा स्थान चौक। आपको पता है सच का आईना।